हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो जो 2017 और 18 में जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उनकी पूरी लिस्ट है, पूरी सूची है, और इन सम्मान में इन पुरस्कारों की प्राइज मनी कितनी है, किनके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और ये किस पुरस्कार किस किस को मिला है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखें और इन नामों को याद कर ले, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम पहले पुरस्कार से, जो है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं के कवियों को या साहित्यकारों को दिया जाता है। इस बार का सरस्वती सम्मान महाबलेश्वर सैल को दिया गया है। ये कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है और इनकी लेख जो लेख है वो है हाउ टाउन, उसके लिए इसको मिला है। हाँ, एक और बात यह ध्यान रखेंगे, ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और यह पहला पुरस्कार जो पहली बार दिया गया था वो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था और इस बार वाला महाबलेश्वर सैल को दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 1991 में की गई थी। दूसरा जो पुरस्कार है वो है व्यास सम्मान। इससे किसको सम्मानित किया गया, यह ममता कालिया। ये दुखम सुखम के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। प्राइज मनी होती है इस पुरस्कार की 3.5 लाख रुपए। यह पुरस्कार ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना भी 1991 में की गई थी। यह पुरस्कार ममता कालिया जी को 8 दिसंबर 2017 को दिया गया था। तीसरा इम्पोर्टेंट पुरस्कार है मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। इसकी प्राइज मनी देख लेते हैं, ये 4 लाख रुपए है। प्राइज मनी 4 लाख रुपए है और ये भारतीय ज्ञानपीठ समिति द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, केदार सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है। यह केदारनाथ चौधरी, उनकी लेख अबारा नहितन के लिए मिला है ये। इस पुरस्कार की स्थापना, केदार सम्मान पुरस्कार की स्थापना 1996 में की गई थी। ये हिंदी साहित्य के जो शीर्षस्थ कवि थे केदारनाथ अग्रवाल, उनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। पांचवा पुरस्कार है हिंदी पत्रकारिता की श्रेणी में जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार है वो किसको मिला है। हिंदी पत्रकारिता की श्रेणी में ध्यान रखेंगे, ये मिला है रवीश कुमार को। रवीश कुमार को प्राइज मनी इसकी है 1 लाख रुपए। ये लगभग 27 पत्रकारों को मिला है जिसमें हिंदी के लिए रवीश कुमार को मिला है। रवीश कुमार जी को 2015 और 16 में भी ये पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार वेंकैया नायडू जी के द्वारा दिया गया। छठा पुरस्कार है भारत भारती सम्मान। भारत भारती सम्मान की स्थापना 1982 में की गई थी। इसकी प्राइज मनी 5,02,000 रुपये है। जो प्रथम भारत भारती पुरस्कार है वो महादेवी वर्मा जी को दिया गया था। इस बार का पुरस्कार डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित जी को दिया गया है। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित मेरठ जिले से हैं, ये ध्यान रखेंगे हम। ये यूपी के हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो यूपी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पुरस्कार हो जाता है। भारत भारती पुरस्कार जरूर याद रखेंगे, डॉक्टर अनंत प्रकाश दीक्षित। नेक्स्ट जो पुरस्कार आता है बुकर प्राइज। बुकर प्राइज हमें 2017 का किसको मिला है, यह है जॉर्ज सॉन्डर्स को मिला है। मैन बुकर प्राइज 2017 का जॉर्ज सॉन्डर्स को मिला है। मैन बुकर प्राइज की स्थापना 1969 यानी 1969 में हुई थी। इसकी प्राइज मनी कितनी है, लगभग 60,000 पाउंड मैन बुकर प्राइज के जॉर्ज सॉन्डर्स को मिला है, याद रखेंगे। आठवां प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार देखते हैं किस लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार
प्रशिक्षक यानी कोच को मिलता है, जो किसी खेल के कोच होते हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है। और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसकी प्राइज मनी 7.5 लाख रुपए है। इसके नामों को याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये किस खेल से संबंधित है ये इम्पोर्टेंट है। जैसे आर गांधी एथलेटिक्स के, हीरानंद कटारिया कबड्डी के, GSSV प्रसाद बैडमिंटन के, ब्रिजभूषण मुक्केबाजी से संबंधित हैं, संजोय चक्रवर्ती शूटिंग, रोशन लाल रेसलिंग एंड PA राफेल हॉकी से संबंधित कोच हैं। नवा पुरस्कार और सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को जान लेते हैं। इसकी प्राइज मनी 11 लाख रुपए है। स्थापना 1965 में हुई थी, लेकिन स्थापना के समय प्राइज मनी मात्र 1 लाख रुपए थी। इस बार का जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इस बार का पुरस्कार किसको मिला है? कृष्णा सोबती जी को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 10वां प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता का नाम क्या है? देख लेते हैं प्राइज मनी क्या है इसकी। प्राइज मनी है 10 लाख रुपए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की प्राइज मनी है 10 लाख रुपए। 1969 में स्थापना हुई थी। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस बार का यानी ये पुरस्कार 2016 में दिया गया था। याद रखिएगा, अभी तक कब ये पुरस्कार नहीं दिया गया है किसी को। 2016 के बाद अभी नहीं मिला है किसी को। उनका नाम है काशीनाधुनी विश्वनाथ। ये तेलुगु फिल्म के अभिनेता भी हैं और निर्देशक भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कई किताबों में पिछले साल का दिया हो गया है, बिल्कुल गलत है वो, ये एकदम लेटेस्ट है। 11वां क्वेश्चन है, मिस इंडिया या फेमिना मिस इंडिया की विजेता कौन है? मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर, अच्छा, फेमिना मिस इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। और मानुषी छिल्लर कहाँ के निवासी हैं? ये है हरियाणा के निवासी। 12वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 26वां बिहारी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? 26वां बिहारी पुरस्कार से सत्यनारायण जी को सम्मानित किया गया है। और इंपॉर्टेंट तथ्यों को जान लेते हैं। जो बिहारी पुरस्कार है, यह भारत के किसी भाग में भी अगर कोई राजस्थान का निवासी रह रहा है उनको मिलता है, या राजस्थान में कोई व्यक्ति कहीं का भी 7 साल से ज़्यादा अगर निवास करता है तो उसको भी दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट तथ्य है कि ये बिहारी पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, ये राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है राजस्थान के निवासी को। यह पुरस्कार भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। प्राइज मनी देख लेते हैं, 2 लाख रुपए है बिहारी पुरस्कार की। बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यनारायण जी को याद रखेंगे। राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित व्यक्ति का नाम हमको बताना है। पहली बात देख लेते हैं, ये दिया किस लिए जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। ये इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में की गई थी। प्राइज मनी है 3 लाख रुपए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है कबीर सम्मान। और इंपॉर्टेंट तथ्यों को देख लेते हैं। 2017 का ध्यान चंद अवार्ड किसको मिला है? पहली बात देख लेते हैं, दिया किस लिए जाता है। ये किसी भी जो स्पोर्ट पर्सन है उनके लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। और ये दो तीन व्यक्तियों को दिया गया है, भूपेंद्र सिंह एथलेटिक्स के लिए, सैयद शाहिद हाकिम ये फुटबॉल के लिए है, और समुराय टेटे हॉकी के लिए। 15वां क्वेश्चन है, 2017 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है? ये दो लोगों को मिला है, देवेंद्र पैरा एथलेटिक्स के लिए और सरदार सिंह हॉकी के लिए। क्वेश्चन 16 है, 2017 का कलिंग लिटरेरी अवार्ड किसको मिला है? इसका नाम याद रखेंगे, इनका नाम हर प्रसाद दास को मिला है। ये इस बार तीन कैटेगरी में भी दिया गया था, इंटरनेशनल कलिंग, इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड जिसके नाम है आनंद नीलकंठन,
और कलिंग कारुबाकी अवार्ड ये मिला था प्रमिता सतपथी को। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, 2017 का वाचस्पति सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? 2017 के वाचस्पति सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? वाचस्पति सम्मान दिया किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये किसको दिया गया है? प्राचार्य अमित कुमार को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत पुस्तकों में गलत दिया गया है इसका आंसर, ये बिल्कुल सही है, इसको याद कर लेंगे। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट 2018 का एबल पुरस्कार, मैथ के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 से हुई थी। ये नॉर्वे सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। कई पुस्तकों में यवेश मेयर जी का नाम दिया गया है, जो कि 2017 के हैं, ना कि ये पिछले हैं, 2018 के नहीं हैं। ये है सबसे जो नवीन है, रॉबर्ट लैंगलैंड, इनको मिला है 2018 का एबल पुरस्कार। मैथ के लिए मिलता है, नॉर्वे सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये हमारा जो इम्पोर्टेंट प्राइज हैं, पुरस्कार हैं, उनके नाम थे। ये आप याद रखेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।